नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 1 से लेकर 15 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने की शुरुआती 15 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के अवलोकन के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में कर्क राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों की जानकारी भी देने वाले हैं। वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर शनि जन्य ढैया का प्रभाव चल रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को कई प्रकार की परेशानी और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए वीडियो के लास्ट में दो विशेष सकारात्मक सलाह की जानकारी आपको देंगे। जो आप इस समयावधि में ध्यान रखते हैं तो यह समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों, भविष्य फल को प्रारंभ करें उससे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं आपकी कुंडली के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह चंद्रमा बनते हैं, जो अपना 2.5 दिनों में परिवर्तन करते हैं। 1 जनवरी को चंद्रमा सिंह राशि और आपके सेकंड हाउस यानी धन भाव पर रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति इन 15 दिनों के समयावधि में आपके दशम भाव पर यानी कर्म भाव पर रहने वाले हैं। 1 से लेकर 15 जनवरी तक राहु देव आपके राशि के भाग्य भाव पर रहेंगे। केतु देव आपके पराक्रम भाव पर रहने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि के अष्टम भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं। मंगल, सूर्य और बुध ये 3 ग्रह आपके राशि के 6वें भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। शुक्रदेव आपके राशि के 4th भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति कर्क राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में जनवरी का शुरुआती 15 दिन किस प्रकार जाने वाला है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा रहेगा और आपके लिए साल की शुरुआत किस प्रकार हो रही है। कर्क राशि वाले जातकों कर्म भाव के स्वामी मंगल माने जाते हैं। 1 से लेकर 15 जनवरी तक मंगल की स्थिति आपके पंचम भाव पर रहेगी। मंगल सूर्य के साथ प्रभावी रहेंगे, उसके पश्चात ये 6वें भाव पर भी प्रभावी रहने वाले हैं। वहीं आपके कर्म भाव पर देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है। कर्क राशि के नौकरी पेशा जातकों के जीवन में उपलब्धि और सफलता की विशेष संभावना दिखाई दे रही है। इन 15 दिनों की समयावधि में जो जातक व्यापार कर रहे हैं उनके लिए बेहतर स्थितियां बनने वाली है। सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक जीवन या सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं उसके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। प्रमोशन जैसी स्थितियों को लेकर चल रहे हैं, सूर्य और मंगल की अनुकूलता आपके जीवन में प्रमोशन भी दिलवा सकती है। 1 से लेकर 15 जनवरी के बीच में मान सम्मान के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा। इसमें कर्क राशि वाले जातकों को वर्क प्लेस पर सम्मान पूर्वक स्थिति भी मिल सकती है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, आर्थिक तौर पर यह 15 दिन आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव आपको देने वाला है। देखिए, आपके राशि के लाभ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो आपके पंचम भाव पर प्रभावी होकर आपके अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे। वहीं आपके राशि में शनि की स्थिति आपके धन भाव पर जाने वाली है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर जाने वाली है।
बृहस्पति भी आपके राशि में काफी अच्छी अवस्था में हैं। बृहस्पति भी आपके धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं। आर्थिक तौर पर यह जो समय है आपके जीवन में बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी सिद्ध होने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लाभ के प्रबल योग बनेंगे। व्यापारिक जीवन से अच्छा लाभ की संभावना बनेगी। रुका हुआ धन आपके जीवन में मिल सकता है। उसके साथ साथ इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना बन सकती है। हालांकि कर्क राशि वाले जातक पारिवारिक जीवन और भौतिक सुखों के ऊपर अपने धन का प्रबल व्यय करने वाले हैं, यानी खर्च करने वाले हैं। शनि की दृष्टि आपके सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव पर रहेगी। अनावश्यक खर्चों से भी आपको जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। भविष्य में आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो इसके लिए धन का सोच विचार कर व्यय करना आवश्यक है। परिवार के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, पारिवारिक जीवन कर्क राशि वाले जातकों के लिए मिला जुला ही प्रभाव देने वाला है। पारिवारिक जिम्मेदारियां आपके ऊपर बढ़ी रहेगी। ढैया का प्रभाव है तो इस समयावधि में सदस्यों के बीच में ऐसी भी संभावना है कि माहौल आपके घर में अशांत भी रह सकता है। लेकिन कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में छोटी मोटी बातों को लेकर परिवार में व्यर्थ का विवाद झड़प निर्मित करने से बचना होगा। देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता आपके जीवन में माता और घर के बड़े सदस्यों का सहयोग भी आपको आसानी से दिलवा सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो मंगल माने जाते हैं और पंचम भाव पर ही विराजित होकर गोचर कर रहे हैं। यदि आप गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं या प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं, यह समय रिश्तों के मामले में बहुत ही खास और बेहतर रहने वाला है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए कर्क राशि वाले जातकों के मन में उत्साह की वृद्धि होगी। मन में प्रसन्नता भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि कर्क राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, देखिए वैवाहिक जीवन के मामले में कर्क राशि वाले जातकों को आपको मेजर समस्याएं दिखाई नहीं दे रही है। शनि की उपस्थिति आपके अष्टम भाव पर है, ऐसे में जीवन साथी के सेहत को लेकर आपको जरूर सावधान रहना होगा। तो यह समय आपके जीवन में ज्यादा बेहतर रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातकों इस समयावधि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, सेहत के मामले में कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत ही उत्साह से भरा हुआ रहने वाला है। कुंडली का छठवां भाव प्रभावी है, यानी रोग भाव जो है आपका वो प्रभावी बना हुआ है। सूर्य और मंगल के द्वारा पराक्रम योग बन रहा है। इसकी वजह से कर्क राशि वाले जातकों को शारीरिक रूप से 15 दिनों के समयावधि में किसी प्रकार की समस्या नहीं मिलने वाली है। पिछले समयावधि में यदि आपको कोई समस्या बनी हुई है, चाहे हड्डियों में प्रॉब्लम, आंखों में समस्या, पेट जनित बीमारी, बीपी की समस्या है, उन सभी समस्याओं से भी आपको निजात मिल सकती है। उस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में दो विशेष बातों का ध्यान आपको रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि आप काम कर रहे हैं, सकारात्मक विचारधारा बहुत ही आवश्यक है और कार्य को रूपरेखा बनाकर यदि करते हैं तो यह समय आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाला है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। शनि आपके अष्टम भाव पर प्रभावी हैं, शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके वाणी भाव पर जा रही है। नपे तुले शब्दों का आपको जीवन में ज्यादा प्रयोग करना होगा तो यह समय आपके जीवन में ज्यादा बेहतर रहने वाला है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को शिवलिंग पर जलाभिषेक करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना काफी बेहतर रहने वाला है। वर्तमान समय में आपको बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। काली गाय,
काला कुत्ता, यथा उचित आपको दानचर्य का प्रबंध करना चाहिए तो यह समय आपके जीवन में काफी शुभता देने वाला है। शनिवार के दिन जरूरतमंद लोग, लेबर वर्ग, गरीब और असहाय व्यक्तियों में काले कंबल यदि आप बांटते हैं तो यह स्थिति आपके जीवन में काफी शुभ परिणाम आपको देने वाली है। वर्तमान में यदि आपके जन्म कुंडली पर भी शनि की महादशा चल रही है तो आपको शनि जन्य उपाय जरूर करने की आवश्यकता रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल से आप जरूर जुड़े। ओम नमः शिवाय।